हेलो दोस्तों, सबसे पहले तो ह्यूज थैंक्स फ्रॉम बॉटम ऑफ माय हार्ट। थैंक्स उन सबको, जितने मेरे व्यूअर्स हैं, आप जितने भी लोग हैं जो हमें अपना प्यार देते हैं, मेरी पूरी टीम जो मेरे साथ खड़ी रहती है दिन रात सुबह शाम, हम मेहनत जो करते हैं साथ में मिलकर, उनको, जितने भी हमारे सपोर्टर्स हैं, वेल विशर्स हैं, फैमिली फ्रेंड, मैं सबको बहुत बहुत और सबसे ज़्यादा ऊपर वाले को थैंक यू कहना चाहता हूँ, जिसने आज हमें ये दिन दिखाया है कि हमारी जो ये पूरी फैमिली है ना, वो अब 5,000, 6,000, 10,000 लोगों तक की भी नहीं, हम 1,00,000 क्रॉस कर चुके हैं दोस्तों। सो 1,00,000 पीपल, वाओ। मतलब देखिए, जब भी कोई आर्टिस्ट या एनीवन, जो भी यूट्यूबर्स हैं, जितने भी हैं जो आर्टिस्ट हैं, जब हम स्टार्ट करते हैं ना, वी ऑल स्टार्ट विद अ ड्रीम इन आवर हार्ट्स। हमारे दिल में कुछ सपने होते हैं, कुछ ख्वाब होते हैं, जो शायद हम जिनको देखकर इस फील्ड में या इवन किसी भी फील्ड में आगे बढ़ते हैं। एंड आपको अगर मैं फैक्ट बताऊं दोस्तों, तो ये जो आपने हम लोगों को एक तोहफा दिया है ना, ये तो मैंने मेरे ड्रीम में भी नहीं था। मतलब ये इट इज़ समथिंग बोनस, ये आप लोगों का प्यार है, शायद ऊपर वाले की जो कृपा है कि हमें ये सौभाग्य मिला है, हम लोग इतने लकी हैं कि हम लोग यहाँ तक पहुँच पाए हैं। मैं अभी रिपोर्ट्स जो मेरी टीम ने मुझे भेजी, तो मैंने उसमें मैं पढ़ रहा था, तो देख के अच्छा लग रहा था कि अराउंड मोटा मोटा 2 बिलियन यूज़र्स हैं यूट्यूब के ऊपर, एंड अराउंड 3,21,000 कुछ ऐसे चैनल्स हैं जो 1,00,000 यानी 100K सब्सक्राइबर्स को क्रॉस करे हैं। एंड आप लोगों के प्यार की वजह से ही मैं कहूँगा कि मैं, या फिर मेरी जो पूरी टीम है, हम लोगों ने शायद कहाँ से एकदम ज़ीरो से शुरू किया था पिछले कुछ सालों पहले, और आपने हमें उन 1 अरब से भी ज़्यादा लोगों से आगे लाके खड़ा किया है। तो डोंट नो वी डिज़र्व इट और नॉट, लेकिन आपके प्यार के लिए मुझे बहुत, मैं बहुत दिल से थैंक यू कहना चाहता हूँ। पता नहीं, ये तो आप सच में, मैं ये जो अचीवमेंट है ना, इसका क्रेडिट मैं कम्प्लीटली ऊपर वाले को और आप लोगों को दूंगा, बिकॉज ये हमने सोचा भी नहीं था। इट वॉज नॉट इन आर, वो कहते ना, बकेट लिस्ट में ये था भी नहीं। हम लोग म्यूजिशियंस हैं, हम लोग सोचते हैं कि हमारे गाने लोग सुने, ज़्यादा लोग सुने, अच्छे लोग सुने, बट हमारा जो रिकॉर्ड लेबल का चैनल है वो इतना अच्छा ग्रो करेगा, तो ये तो एक, आई थिंक, बोनस में एक साथ में जुड़ के चीज़ आ गई, वो आ गई। दोस्तों, आज भी मुझे याद है जब ये चैनल मैंने स्टार्ट किया था, तो इट वॉज बैक इन अराउंड 2016-17 की बात है, और उस बीच द फर्स्ट डे जीरो विद ज़ीरो सब्सक्राइबर्स वी स्टार्टेड दिस चैनल। एंड शायद सबसे पहला सब्सक्राइबर मैं खुद था, और मेरे कुछ फैमिली वालों को मैंने कहा था, भाई सब्सक्राइब कर, तू चैनल बनाया है। तो आई थिंक ऑन द फर्स्ट डे वी गॉट अराउंड 15-16 सब्सक्राइबर्स ऑन दिस चैनल। वी नेवर न्यू कि हम यहाँ तक, इसको ऐसा बनना है, वो तो आप लोगों का प्यार मिलता चला गया, तो हम करते चले गए आगे तक। सो स्टार्टिंग वहाँ से, और आज कुछ सालों के अंदर हम 1,00,000 पे हैं, तो रियली अ बिग थिंग फॉर अस। मैं अपनी जो, मैंने इसके अंदर कुछ सीखा दोस्तों, कोई इस जर्नी के अंदर कुछ सीखा है, मैं चाहता हूँ कि वो मैं आप लोगों से शेयर करूँ, बिकॉज आई नो कि बहुत सारे आप लोगों, मेरे पास एक्चुअली ना, ये कैसे मुझे पता लगा, आप लोगों के जो मैसेजेस हैं, अगेन मैं उसके लिए भी रियली थैंकफुल हूँ कि आप लोग मुझे मैसेजेस भेजते हैं। उसके अंदर बहुत सारे लोगों का ये सवाल था कि हम कैसे ग्रो करें, हम अच्छा काम कर रहे हैं। बहुत सारे म्यूजिशियंस भी थे, एंड बहुत सारे नॉन म्यूजिशियंस भी थे, जो शायद यूट्यूब के ऊपर अपनी जर्नी शुरू कर रहे हैं, या कुछ एक इंटरमीडिएट लेवल तक आ चुके हैं, थोड़ा आगे बढ़ चुके हैं, उनके सवाल थे, बहुत सारे म्यूजिशियंस के सवाल थे दोस्तों। तो मैं आपसे कुछ शेयर करना चाहता हूँ। आई डोंट नो ये चीज़ें सब पे एप्लीकेबल होंगी या नहीं, बिकॉज वी आर फ्रॉम द म्यूज़िक साइड, तो मैं शायद वो पर्सपेक्टिव आपको दिखाऊंगा, तो मे बी जो सिंगर्स मुझे सुन रहे हैं, या म्यूजिशियंस सुन रहे हैं मुझे, प्रोड्यूसर्स सुन रहे हैं, उनको ये ज़्यादा रिलेटेबल लगे, और जो बाकी नॉन म्यूज़िक फील्ड से लोग हैं, आई डोंट नो दोस्तों, ट्राई करके देख लीजिएगा, मे बी आपके फील्ड का भी काम अगर इस फॉर्मूले से बन जाए, तो इससे अच्छी मेरे लिए और कोई बात नहीं हो सकती। दोस्तों, 3 ऐसी चीज़ें हैं जो मैंने सीखी हैं, गिर गिर के सीखी हैं, चीज़ों को कर करके सीखा है, फेल हो के सीखा है, बार बार कर करके सीखा है। और मुझे लगता है, अगर आप मुझसे पूछेंगे ना राइट नाउ, कि अभी मैं उन कौन सी चीज़ें ऐसी मैंने की, या हम सब ने मिल के की कि हम यहाँ पहुँचे हैं, तो ये शायद वो 3, बहुत सारी चीज़ें होंगी, बट दीज 3 आर द मेजर थिंग्स। सबसे पहला है दोस्तों कि
आप मैं एक्चुअली तीनों को आपको पहले पॉइंट वाइज बताता हूँ, फिर सब कुछ एक एक बताऊँगा। दोस्तों पहली चीज़ है आपका, जो आपने कई बार लोगों को सुना होगा, कंटेंट बनाना। अब कंटेंट बनाना इज़ अ डिफरेंट थिंग, और कंटेंट के ऊपर मेहनत करके उसको बेहतर बनाना इज़ अ डिफरेंट थिंग। मैंने ये सीखा अगेन, क्योंकि मैं हम लोग म्यूजिशियन साइड से हैं, कई बार आप लोगों ने देखा होगा कोई नॉर्मली लोग अपने फ़ोन से वीडियो शूट कर लेते हैं, उनके भी लाखों में सब्सक्राइबर्स होते हैं। मैं शायद उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, शायद मेरा जो पर्सपेक्टिव म्यूजिशियंस के साइड से है। तो दोस्तों क्वालिटी कंटेंट, यानी आपका जो भी आप कर रहे हो, इट्स नॉट ऑल अबाउट पुटिंग मनी इनटू इट कि आप उसका वीडियो लार्जर देन लाइफ ही बनाओ हर बार, बट क्वालिटी ऑफ कंटेंट। मैंने बहुत सारे, हमने ट्रायल एंड एरर्स किए हैं शुरुआत में, बहुत सारे सॉन्ग्स बनाए हैं जो शायद मुझे खुद भी उतने अच्छे नहीं लगे, तो वो हमने रिलीज़ तक नहीं किया आज तक। देयर आर लॉट्स ऑफ, आपके सामने जो कंटेंट आता है वो सेलेक्टेड आता है, जो एटलीस्ट आप लोगों का प्यार मिले तो अच्छी बात है उस पर, बट एटलीस्ट हमको तो मज़ा आया उसे करने में। तो सबसे बड़ी बात यह है कि आपका जो कंटेंट है वो उस एस्पेक्ट से क्वालिटी वाइज अच्छा होना चाहिए, यानी उसके अंदर आपको, आप उसको वैल्यू दीजिए, उसको समय दीजिए और उसको क्राफ्ट करके बेहतर कीजिए। अभी हम जहाँ हैं ये शायद हमारी पहली सीढ़ी, मैं ऐसे मानता हूँ, अभी बहुत आगे की चीज़ें हैं आपके लिए आ रही हैं, मैंने ऑलरेडी आपको अनाउंसमेंट में बोला भी था, और आगे आएंगी भी। लेकिन आज तक ना आप देखेंगे, आप खुद भी देखेंगे, हम लोग ये ट्राई करते हैं कि हमारा पिछले कंटेंट से अगला कंटेंट जो है वो क्वालिटी वाइज बेहतर हो, इन टर्म्स ऑफ अगेन म्यूजिशियंस पर्सपेक्टिव, यू नो, अगेन इन टर्म्स ऑफ कंपोजिशंस, लिरिक्स, उसका प्रोडक्शन कैसा हुआ है, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन, मिक्सिंग एंड मास्टरिंग, वोकल्स, उसका पूरा ऑडियो कैसा साउंड कर रहा है, वीडियो कैसा दिख रहा है, वीडियो के अंदर कैसे हम उसे शूट कर सकते हैं, कैसे जो माई स्टोरी है, जो कंटेंट है वो आप तक कैसे बेहतर से बेहतर पहुंचा सकते हैं। तो वी ट्राई टू डू दिस, आई डोंट नो कि हम कितना पहुंचा पाते हैं नहीं, वो तो आपके, आपका, आप यू आर द बेस्ट जज फॉर दैट, एंड बट आई एम रियली थैंकफुल कि शायद आपको जितना हम कर रहे हैं उससे भी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो वी आर लकी, आई मस्ट से वी आर लकी इन दैट टर्म्स कि आपको हम वो कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, और जितना हम चाह रहे हैं उससे ज़्यादा आप ग्रास्प कर रहे हैं, तो ये तो बहुत अच्छी बात है हम लोगों के लिए। सो दोस्तों फर्स्ट थिंग इज़ कि कंटेंट आप क्रिएट कीजिए, और बेहतर कंटेंट क्रिएट कीजिए, डोंट टेक इट लाइक दैट ओनली, इसको सीरियसली, इफ़ यू वांट टू डू रियली गुड थिंग आपको मेहनत करनी पड़ेगी। हर कंटेंट बेहतर, हर कंटेंट, मैं ये कह रहा हूँ कि डे वन आप मूवी लेवल का कंटेंट बना दो, जो शायद हमने भी नहीं किया था। हमने भी एकदम, आज जब हम अपने पुराने चीज़ों को देखते हैं, सॉन्ग को देखते हैं, तो खुद भी हंसते हैं अपनी गलतियों के ऊपर, ठीक है, लेकिन वो ज़रूरी था करना। गलतियाँ कीजिए, बट मेहनत करके उसको बेहतर बनाने की कोशिश कीजिए, रादर देन स्टिकिंग ऑन दैट और क्विटिंग ऑन दैट पॉइंट कि भाई मुझसे नहीं होता, वो मत कीजिएगा। कीप डूइंग इट, कीप फेलिंग गाइस, मैं चाहता हूँ कि आप अपने काम में ना फेल करो, कोई बात नहीं, बट करो काम, आप इम्प्रूव करोगे, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है और ये हमने देखा है, और यही चीज़ मैं खुद भी अपने आप को भी समझाता हूँ, अपने टीम को भी बताता हूँ, और जितने लोग भी इतने आर्टिस्ट हमारे साथ कनेक्टेड हैं उन्हें बताता हूँ। मेजर थिंग इज़ कि कंटेंट क्रिएशन एंड क्वालिटी कंटेंट क्रिएशन इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्योंकि एक्चुअल एट द एंड ऑफ डे वही चलना है। सेकेंड थिंग ये है आपका कि उसको आप जो भी आप कंटेंट, कई लोग कंटेंट अच्छा बनाते हैं बट उसको अच्छी तरीके से प्रमोट नहीं करते। अगर मैंने एक बहुत अच्छा कंटेंट बना लिया है, तो अगर मैं आपको बताऊं ही ना कि मैंने कंटेंट बना लिया, मैं उसको अपनी जेब में रखा रहूं, तो शायद आपसे जो मुझे प्यार मिलना होगा वो मुझे ना मिल पाए। तो दोस्तों कंटेंट बनाने के साथ साथ इम्पॉर्टेंट ये भी है कि आप कंटेंट को प्रॉपर प्लेसमेंट्स दें, रिलीज़ करें, उसको लोगों तक पहुँचाएँ। नाउ रिलीजिंग इज़ नॉट जस्ट अपलोडिंग अ सॉन्ग ऑन अ यूट्यूब चैनल, नो, आपको उसकी ना प्रॉपर प्रमोशनल स्ट्रेटजी बिल्डअप करनी पड़ती है कि किस तरीके से आप प्रमोट करेंगे। उसके अंदर आपको टाइम, हार्डवर्क, मनी, मेहनत, मतलब एवरीथिंग, डे नाइट्स आपको इन्वेस्ट करने पड़ते हैं टू स्ट्रेटजाइज ऑल दोज थिंग्स। उन प्लेटफॉर्म्स पे कैसे आप प्रमोट करेंगे, क्या स्ट्रेटजी रहेगी आपकी, ये सब प्लान आउट करके करिए। डोंट पुट अनदर रैंडम वीडियो ऑन यूट्यूब और इंस्टाग्राम और फेसबुक की ये हमारा काम है और देखो। मैंने की है गलती, है दोस्तों मैंने ये शुरुआत में की गलती, तभी मैं आपको बता रहा हूँ।
हम पहले मैं भी जब आई थिंक जब हम लोग सीख रहे थे कई दिन पहले की बात है, सो वी पुट जस्ट लाइक दैट ओनली एंड यू से कि भाई मेरे यूट्यूब के ऊपर 10-12-15 व्यूज 100 व्यूज आ जा रहे हैं, 100 आते तो बहुत बड़ी बात हो जाती थी यार, 100 व्यू आ गए। अगर आप उस इंतज़ार में हैं कि एक दिन वैसे करके आप मिलियन क्रॉस करने वाले हैं दोस्तों, तो आई विश कि आपको वो लक ईश्वर प्रोवाइड करे, बट इन नॉर्मल सर्कमस्टांसेस मैंने तो नहीं देखा पर्सनली। बाकी मेरी पूरी दुआएं हैं आपको कि ऐसा लक आप सबको दे भगवान कि आपकी मेहनत पे इतना बढ़िया रिटर्न मिले, बट ऐसा नॉर्मली अगर आप देखेंगे ना तो नहीं पॉसिबल होता है। क्यों नहीं होता है, अगेन दैट्स अनदर टॉपिक, और मैं उसके ऊपर शायद 2-3 वीडियोस बना सकता हूँ कि ऐसा क्यों नहीं होता, बिकॉज दोज प्लेटफॉर्म्स लाइक दिस ऑल्सो एवरीवन इज़ डूइंग बिजनेस। तो आपको प्रॉपर स्ट्रेटेजाइज करना होता है। थर्डली जो मैं इसको थर्ड या इसी का एक पॉइंट मान लीजिए, बस यूं ही प्रमोट नहीं कर देना है, स्ट्रेटजी से प्रमोट कीजिए प्रॉपर। मैं इसमें एक ना साइड में ब्रैकेट में एक और चीज़ एक मैं भूल गया था उनको थैंक्स करना, जो मेरी डिजिटल टीम है दोस्तों, आप लोग अगर मुझे सुन रहे हो तो रियली थैंक यू, ये आपके ही हेल्प से हुआ है। सो एवरीवन वर्किंग इन माय डिजिटल टीम, जो हमारी यूस्टा बुक की टीम है, यस यू कैन से इट अ शाउट आउट बिकॉज दे गाइस डिजर्व अ शाउट आउट, उनको मिलना चाहिए, उनको ड्यू रिकग्निशन मिलना चाहिए बिकॉज दे हेल्प अस टू स्टैंड हियर। तो यूस्टा बुक की जो मेरी पूरी टीम है, आप लोगों ने बहुत प्यारा काम किया है। अगर मैं देखूं तो हमने पिछले कुछ सालों में 47 मिलियन व्यूज से ऊपर अपना ऑडियंस जनरेशन किया है एंड अराउंड 100K+ सब्सक्राइबर्स जनरेट किए हैं। तो ये केवल अकेले कंटेंट क्रिएटर्स का काम नहीं है, मैं इसको 50-50 मानता हूँ, आपका भी मेरे साथ बराबर योगदान बना रहा है। यू गाइज ऑल्सो डिजर्व रिकग्निशन एंड आपको ड्यू रिस्पेक्ट और ड्यू रिकग्निशन में देना चाहूँगा दोस्तों, बहुत बहुत थैंक यू फॉर दैट। आपकी स्ट्रेटजीज़ जो आप मुझसे हम अब बाकी ऑडियंस बताना चाहूँगा दोस्तों, हम लोग ना जब कोई भी कंटेंट रिलीज़ करते हैं तो उससे पहले उसका पूरा ना प्लान आउट करते हैं कि हम इसे किस तरीके से मार्केट करेंगे, कैसे आप लोगों तक पहुँचाएँगे, क्या हम इसमें इंटरेस्टिंग मसाला डाल सकते हैं जो आपको अच्छा लगे, आप और एंटरटेन हो, किस माध्यम से करेंगे, कितना बजट एलोकेट करेंगे, सब कुछ हम लोग प्लान वे में सब कुछ करते हैं। और उस प्लानिंग के अंदर मैं तो अपना क्रेडिट कितना ही दूँ, हार्डली 5-10% होगा, मैं तो बस हाँ ना करता रहता हूँ। लेकिन ये जो लोग हैं ना, एवरीवन लाइक युवराज, मयंक और जितने भी लोग यूस्टा बुक के अंदर हैं मेरे, समीर, तो आप सबको बहुत बहुत थैंक यू। तो दोस्तों ये था सेकंड हमारा पॉइंट कि आप प्रॉपरली उसको उसका रिलीज एंड प्रमोशंस आप प्लान कीजिए। और थर्ड जो मैं कहना चाहूँगा वो ये है कि आपको सबसे जो मेजर चीज़ है, कंसिस्टेंसी क्रिएट कीजिए, आप रुकिए मत। ये शायद मैं फर्स्ट पॉइंट में कवर कर चुका हूँ, बट क्योंकि ये पॉइंट इतना इम्पॉर्टेंट है कि मैं थर्ड में भी कवर करना चाहूँगा। कई लोग आई थिंक महीने भर कुछ काम करते हैं, अगर उनको कुछ प्रॉपर चीज़ें नहीं दिखती हैं तो वो उस काम से बोर हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, वो नहीं करना है। अगर आपको बंजर ज़मीन से पानी निकालना है दोस्तों, तो खोदना गहरा पड़ेगा। और इस समय राइट नाउ अगर आप ये माइंड सेट अपना नहीं लेके चलोगे तो सर्वाइवल टफ होगा। सो मैं आप सबको बहुत प्यार देना चाहता हूँ, बहुत थैंक्स देना चाहता हूँ, अपनी तरफ से आभार देना चाहता हूँ कि आपने हमें ये दिन दिखाया है। और मैं आप लोगों को यही एडवाइस करूँगा कि अगर आप भी इस जर्नी में या म्यूजिशियन है या इवन यूट्यूबर्स, आई नो कि काफ़ी सारे यूट्यूबर्स भी इससे रिलेट कर पा रहे होंगे, वेदर एनी फील्ड, कोई भी फील्ड के हो, कोई इशू नहीं है। तो अगर आपको ये हेल्पफुल लगा दोस्तों, ज़रूर इसको फॉलो कीजिएगा। एंड कई लोगों का सवाल मेरे पास ये भी है, Q&A सेशन का ही पार्ट मैं इसको लूँगा। बहुत सारे लोगों ने मुझे पिछले आई थिंक एक महीने से मेरा जो DM सेक्शन है इतना फटा जा रहा है भरा जा रहा है, लोग सबसे ज़्यादा क्वेश्चन अभी साइड हो गया, बाकी सब क्वेश्चन लोग पूछ रहे हैं कि मैं कहाँ था, वेयर वॉज आई, Q&A सेशंस क्यों नहीं आ रहे थे और मैं कहाँ व्यस्त हो गया। तो शायद आपको मालूम है, मैं उसके बारे में इस वीडियो में ज़्यादा बात नहीं करना चाहता बिकॉज देयर इज़ एन अदर वीडियो इसमें, क्योंकि सवाल बहुत सारे हैं उसके उस रिलेशन में, तो मैं उसको सेपरेट रखना चाहूँगा इससे। तो आपको मालूम है किसकी बात कर रहा हूँ, पिछले कुछ दिनों में इतनी अच्छी चीज़ें हुई हैं, मैं ज़रूर उसके ऊपर आपसे अलग से बात करूँगा।
तो मैं वहीं व्यस्त था दोस्तों चीज़ों को। अब अगेन जो मैंने आपको फर्स्ट टाइम बनाया था कंटेंट क्रिएशन वाले जो पार्ट था, इवन सेकंड पार्ट स्ट्रेटेजाइजिंग द होल थिंग, उसमें ही हम लोग लगे पड़े थे, इस वजह से थोड़ा सा टाइम का क्रंच हो गया था। बट हेयर आई एम बैक अगेन, आपको मैं ज़रूर बताऊंगा हम वो एक्सपीरियंस कैसा था, वो जर्नी कैसे थी, आप समझ रहे हैं मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। सो सस्पेंस को क्रिएटेड रहने दीजिए और देखते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर कि क्या सवाल हैं आपको। जब तक अगर कोई सवाल और भी आपके मन में आ रहा हो तो यू कैन जस्ट DM us मी ऑन इंस्टाग्राम, आपको हैंडल जो है वो दिख ही रहा है आपके स्क्रीन के ऊपर, तो आप जस्ट फटाफट DM कीजिए एंड #QnA सेशन ज़रूर लिख दीजिएगा, #QnA ज़रूर लिख दीजिएगा। इससे हम लोग को ईज होती है एक्चुअली जानने में कि आप Q&A सेशन रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, सो टेक केयर, हैव फन एंड ज़बरदस्त क्वेश्चंस भेजिए आपके। और अब एक दिन ना, एक मैं सोच रहा हूँ एक हफ्ते की छुट्टी लेके आपके जो क्वेश्चंस हैं उनको पढ़ लूँ। बहुत सारे क्वेश्चन भेजते हैं यार आप लोगों ने, तो कितना कुछ जानना है आप लोगों को। अच्छी बात है। देखिए ये अगेन, इसमें तो मैं खुद को लकी फील करता हूँ कि आपको ऐसा लगता है कि मैं उसमें आपकी हेल्प कर सकता हूँ, तो ऊपर वाले ने अगर एक्सपीरियंसेस मुझे दिए हैं या कुछ चीज़ें मुझे ऐसी प्रोवाइड करी हैं जिससे मैं आपको कुछ हेल्प कर सकता हूँ, तो ये मेरे लिए बहुत बहुत बड़ी बात है दोस्तों, बहुत बड़ी। ठीक है दोस्तों, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन हैव फन, टेक केयर एंड फोकस अपॉन योर म्यूजिक। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।